ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ सजा सुना दी गई है। मानहानि के केस के राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। अज सूरत की कोर्ट के सुनवाई हुई जिथे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है। सूरत की कोर्ट के वलों 2 साल की सजा सुनाई गई है। मानहानि के केस के राहुल गांधी को वड्डा झटका लगा है। सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होंदा है? इसे मामले के इसे बयान से राहुल गांधी को 4 साल पुराने जो उन्होंने एक रैली सी रैली दौरान उन्होंने वालों एक बयान दिता गया सी। उन्होंने कहा सी कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इसे बयान के लिए दायर मानहानि के केस के राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया सी। 4 साल पुराने मामले के राहुल गांधी कांग्रेस नेता नूं वड्डा झटका लग्या। कोर्ट के फैसले खिलाफ अपील दायर करन दे लई राहुल गांधी दे कोल 30 दिन का समा भी है। जेकर उन्हां दे वलों अपील दायर करनी होवे तां सूरत कोर्ट दे वलों यह सज़ा सुनाई गई है। मानहानि केस दे विच यह सज़ा सुनाई गई है। अज सुनवाई सी अदालत दे विच जिथे अदालत दे वलों राहुल गांधी नूं 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने राहुल गांधी नूं इस मामले दे विच दोषी ठहराया सी। जिन्हां धाराओं के तहत राहुल गांधी नूं दोषी ठहराया गया सी उस दे विच 2 साल की कैद की व्यवस्था भी है। तो मानहानि केस दे विच राहुल गांधी नूं वड्डा झटका लगा है। राहुल गांधी नूं 2 साल की सूरत की कोर्ट वालों सज़ा सुना दी गई है। इसे दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि एक रैली सी जदों रैली करनाटक दे विच रैली की जाती है। साल 2019 का यह मामला राहुल गांधी दे वलों करनाटक दे विच एक रैली दे विच ये भाषण दिता गया सी। राहुल गांधी दे वलों ये बयान दिता गया सी। उन्होंने इसे नाल ही यह भी कहा सी कि पूरे मोदी भाईचारे का अपमान दसते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उन्हां ते मामला दर्ज करवाया सी। तां दस दईए कि 2019 का यह मामला है जदों करनाटक दे विच एक रैली हुंदी है तां रैली दौरान ही राहुल गांधी दे वलों ये बयान दिता जाता है। उस बयान नूं बयान तो बाद पूरे मोदी भाईचारे दे वलों अपमान दस्या गया सी। जिसके चलदे होया बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उन्होंने मामला दर्ज करवाया सी। तां राहुल गांधी दे वलों ये बयान दिता गया सी कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इसे बयान के लिए दायर मानहानि के केस के कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया सी। तां गुजरात की सैशन कोर्ट ने यह फैसला हुण सुना दिता है। मानहानि केस के राहुल गांधी को वड्डा झटका लग्या। सूरत की अदालत के वलों राहुल गांधी को दोषी करार दिता गया। तो 4 साल पुराने मामले के राहुल गांधी को कानूनी झटका लग्या। कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वलों अपील दायर करनी हो उन्होंने को 30 दिन का समा भी जानकारी मुताबक दिता गया। तो उते ही पिछले 4 साल तो लगातार ये मानहानि का केस चल रहा है। इस तो पहला 17 मार्च को अदालत ने इस मामले के सारिया दलीलों सुनने तो बाद फैसला सुरक्षित रख लिया सी। तो हुण इसे बयान को लेकर जो सुनवाई हुई गुजरात की सैशन कोर्ट के सुनवाई हुई जिथे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिता गया। 2 साल की सज़ा राहुल गांधी को सुना दी गई है। तो सूरत की कोर्ट के वलों ये सज़ा सुनाई गई है। तो सज़ा का ऐलान होना अजे बाकी है ये भी मनाया जा रहा है। पर जिस तरीके दे नाल मीडिया दे विच खबर चल रही ने तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि सूरत कोर्ट के वलों कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। 4 साल पुराने मामले के कांग्रेस को कह दिए कि राहुल गांधी को एक कानूनी झटका लगा। तो कोर्ट के मामले के अपील जिक्र दायर करनी हो 30 दिन का समा भी है। तो इस तो पहले एक बयान सुन लें। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मानहानि केस के राहुल गांधी को वड्डा झटका लग्या। जिथे तुसी बयान भी सुनिया उन्होंने कर्नाटक दे विच एक रैली होंदी है उस रैली दौरान ही उन्होंने वालों यह बयान दिता जाता है। इस बयान से बवाल भी होंदा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होंदा है। तो इस बयान तो बाद राहुल गांधी की लगातार आलोचना भी की गई सी। तो उते ही पूरे मोदी भाईचारे के वलों इस अपमान दसया गया सी। अपमान दसते हुए भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उन्होंने मामला दर्ज करवाया। 30 साल चार हो गए ने। 4 साल पुराना यह मामला है जिस दे विच हुण कांग्रेस नेता राहुल गांधी नूं कानूनी झटका कह सकते हैं कि लग्या है। सूरत कोर्ट के वलों 2 साल की सज़ा राहुल गांधी नूं
सुना दी गई है। मानहानि केस दे विच सूरत कोर्ट दे वल्लों इह सज़ा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समा भी दिता गया। तो इसके नाल ही कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेकर राहुल गांधी के वालों अपील दायर करनी हो 30 दिन का समा दिता गया। पर मुश्किल वादिया नजर आ रही ने क्योंकि 4 साल पुराना मामला पहले लगातार चलता है। इस तो बाद कोर्ट के जदों सुनवाई होंगी है तो जोड़ा मामला उस सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इस खबर के वधेरे जानकारी के लिए फोनलाइन पर ने ग्लोबल पंजाब टीवी के चीफ एक्सीक्यूटिव नीरज बाली। तो नीरज की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल क्योंकि 4 साल पुराना यह मामला है जिसे राहुल गांधी ने हुण एक कानूनी झटका कह सकते हैं। सूरत कोर्ट के वलों 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। विस्तार नाल समझना चाहेंगे कि आखिर यह पूरा मामला की है। तो सूरत कोर्ट के वलों राहुल गांधी को यह सज़ा सुनाई गई है। गुजरात के सूरत कोर्ट के विच इस मामले को लेकर अज जिहड़ी सुनवाई हुई सी अदालत दे विच तां मानहानि केस दे विच राहुल गांधी नूं वड्डा झटका कह सकदे आ। राहुल गांधी नूं 2 साल दी सज़ा सुना दित्ती गई है। 4 साल पुराने मामले दे विच कानूनी झटका लग्गिया है। तां कोर्ट दे फैसले दे खिलाफ अपील दायर करन दे लई राहुल गांधी दे कोल 30 दिन दा समा भी है। तां इस तों पहलां 17 तारीक नूं इस मामले दे विच सुनवाई होंगी है पर उस समय जिहड़ी इह कह दईए कि जिहड़ा फैसला वह सुरक्षित रख लिया जाता है। तो इस खबर के वधेरे जानकारी दे लई फोनलाइन पर ने ग्लोबल पंजाब टीवी के चीफ एग्जीक्यूटिव नीरज बाली। तो नीरज जी की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल क्योंकि 4 साल पुराना यह मामला है। पहला सुनवाई होंगी है पर कोर्ट के वलों जिहड़ा फैसला वह सुरक्षित रख लिया जाता है। पर अज सूरत दे विच जिहड़ी कोर्ट है उसदे विच सुनवाई होंगी है तो राहुल गांधी को 2 साल की जिहड़ी सज़ा वह सुना दी जाती है। विस्तार के नाल समझना चाहेंगे कि आखिर यह पूरा मामला की है। बिल्कुल सर, जिस तरह के सारा दस दिता है कि राहुल गांधी हूँ 2 साल की सज़ा जी हुई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जो थोड़ा सवाल है कि पूरा मसला की है उसके से भी आने तो अज अदालत के जो जो कुछ होया है पहले उस पर एक गौर कर लेंगे। साढ़े दर्शक भी इस चीज़ को सुनने के लिए जानने के लिए उत्सुक होंगे। दरअसल इस फैसले दे 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्होंने 2 साल की सज़ा से 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इससे कुछ देर बाद ही उन्होंने कोर्ट नूं 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने उन्होंने और सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट के विच ही मौजूद सन और राहुल गांधी ने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने वकील ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान देने की मंशा गलत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज चुकी थी। कोर्ट के बाहर भी विधायक जो याचिकाकर्ता है पुरनेश मोदी, उन्होंने समर्थकों ने उसे भारत माता की जय जय श्री राम के नारे लगाए। तो इस मामले ਦੇ संबंध में हुण कांग्रेस के जिहड़े कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के समर्थक ने वो भी सड़कों से उतर आए हुए हैं। दरअसल एक पूरा जिहड़ा मामला हैगा एक 4 साल पहला का मामला हैगा जदों एक भरी सभा के राहुल गांधी ने एक बयान दिता सीगा और बयान भी 2019 के लोग सभा चुनाव तो पहला कर्नाटक के कोलार के विच एक रैली को संबोधित करते हुए कहा सीगा कि सारे चोरों के नाम सरनेम की सरनेम जिहड़े हैगे ने और ये चाहे वो ललित मोदी होवे, नीरव मोदी होवे, नरेंद्र मोदी होवे। और इस केस की सुनवाई के दौरान ही राहुल गांधी 3 बार कोर्ट च पेश भी हो चुके ने और आखिरी बार जरा पेश होए ने और अक्टूबर 2021 दे विच वो पेश होए सन। हालांकि इसके जिहड़े मुख्य याचिकाकर्ता ने पुरनेश मोदी, उन्होंने कहा कि ये सूरत पश्चिम के विधायक हालांकि विधायक भी ने और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी साढ़े समाज में उन्होंने जोर किया और चुनावी सभा से साढ़े खिलाफ इल्जाम लगाए ने जिसके नाल साड़ी भावनावां ठेस पहुंचे हैगा आ। सो ये इस दे चलते ही ये जो मामला हैगा दर्ज किया गया सीगा। अज IPC धारा 400 ते 500 के तहत दोषी करार दिता गया। इस 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और राहुल के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि इस घटना के नाल कोई भी बंदा जरा फायल नहीं होया किसी भी सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर एक सिंपल जहा बयान से। लेकिन हम एक बड़ा सवाल जतेंद्र है जो साढ़े दर्शक भी समझना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि जे किसी पार्लियामेंटरी नूं किसे सांसद नूं विधायक नूं किसे नेता नूं 2 साल की सज़ा होंगी तो उसकी जिहड़ी सदस्यता है वह भी रद्द हो सकती है। यानी कि हुण अगर राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहेगी, हालांकि वह सैशन कोर्ट के अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हाले नहीं जाएंगे, पहले सैशन कोर्ट के अपील करेंगे और अगर ये सदस्य जी सज़ा हैगी बरकरार रही हैगी तो राहुल गांधी की जी लोग सभा की सदस्यता हैगी है जो सांसद ने वह सांसदशिप भी जा सकती हैगी। यानी कुल मिला जुला के हम 2024 के राहुल गांधी
इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे इसका फैसला भी तब होगा जिसले ये क्लियर होगा कि इन्हें भी जड़ी सजा हैगी है वो दो साल की बरकरार रहेगी। धन्यवाद नीरज बाली इस सारी खबर से जानकारी साझी करने के लिए। राहुल गांधी के नाल जुड़ी इस वेले की वड्डी खबर है तो चार साल पुराने मामले के विच कानूनी झटका कह सकते हैं कि राहुल गांधी नूं लग्या तां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाल जुड़ी वड्डी खबर है। सूरत की कोर्ट के विच सुनवाई होंदी है, चार साल पुराना यह मामला है। साल 2019 के विच दसदे कि एक रैली दौरान राहुल गांधी के वलों यह बयान दिता गया सी। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಔರ್ ಅಭಿ ಥೋಡಾ ಢೂಂಡೆಂಗೆ ತೋ ಔರ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಮೋದಿ ನಿಕ್ಲೆಂಗೆ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਅਸਲ साल 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।